नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जब भी हम बात करते हैं नेपाल की, तो उसमें हमारे जहन में, ज्यादातर भारतीयों के जहन में, इनमें से कुछ चीजें ध्यान में आती हैं, जिसमें से एक हो गई हिमालय के शिखर बर्फ से ढके हुए और उसकी वादियां, दूसरा हो गया सीता माँ का घर यानी कि प्रभु श्री राम का ससुराल, तीसरा हो गया जो खास करके आर्मी से जुड़े लोग हैं उन लोगों के लिए गुरखा रेजिमेंट, या फिर दिमाग में आता है पशुपतिनाथ, या फिर भारत के अलावा दुनिया का दूसरा हिंदू राष्ट्र। तो इन्हीं में से कई सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं जब भी हम नेपाल की बात करते हैं, और उसके साथ जो रिश्ते हैं भारत के वो काफी सालों से काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जब से माओवेस्ट ने वहां पर कब्जा कर लिया है, खास करके वहां की पॉलिटिकल सिस्टम्स और सोशल सिस्टम पर, तब से थोड़े बहुत जो रिश्ते हैं वो ऊपर नीचे चल रहे हैं। इसी के बीच कल ये खबर आई कि नेपाल में कुछ इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है जिससे आने वाले समय जो रिलीजियस टूरिज्म करते हैं नेपाल में, या फिर फैमिली को लेकर घूमने जाते हैं, उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है वो ये है कि नेपाल ने एक इस प्रकार की पॉलिसी बनाने का प्लान किया है कि जिससे जो LGBTQ कम्युनिटी है उन लोगों के लिए खास टूरिज्म ओपन किया जा सके। अब जब बात की जाती है LGBTQ जैसी कम्युनिटीज की और उस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों की, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमंस लाइक अस, तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। लेकिन वो जो चीजें हैं वो हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, जिसको घर में रखना ज्यादा प्रिफरेबल है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आते हों। उसी को काफी ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है, और नेपाल भी इन माओवेस्ट के कब्जे में आकर अब ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उन लोगों के लिए स्पेसिफिक टूरिज्म पॉलिसीज बनाने का प्लानिंग कर रहा है। तो अगर ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाता है और अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो लोग हैं जो पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एक्सपोज करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, उसको ग्लैमराइज करने में प्राइड परेड जैसी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके, उन लोगों की संख्या नेपाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और हमारे और आप जैसे जो लोग हैं, जो लोग नेपाल में फैमिली के साथ टूर पर जा रहे हैं या फिर रिलीजियस टूरिज्म पर जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो इस प्रकार की चीजों को हाईलाइट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसी के भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए जब तक वो जो प्रेफरेंसेस हैं वो अपने घर तक रहें, और उससे किसी भी अंडर एज व्यक्ति को कोई भी मेंटली या फिजिकली नुकसान ना हो। लेकिन ये जो प्राइड परेड्स ऑर्गेनाइज की जा रही है विश्व भर में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में, वहां पर धीरे धीरे करके जो यंग एंड फ्रेजाइल माइंड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और उन लोगों को इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वहां पर जो सोसाइटीज और फैमिलीज हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में बांटा जा सके, जिससे उन लोगों को कंट्रोल करना जो भी पावर में है उन लोगों के लिए काफी ही आसान हो जाए। तो उसी प्रकार की कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर नेपाल में होती हुई दिख रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो जाए तो नेपाल में जो भारतीयों का टूरिज्म है, खास करके जो फैमिलीज के साथ टूर्स करते हैं, चाहे वो हिमालय की वादियों में जाएं या फिर पशुपतिनाथ या जनकपुरी में जाएं, उन लोगों के लिए एक हेजिटेटिंग फैक्टर क्रिएट हो सकता है। अभी तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी जस्ट इसके बारे में बात चल रही है, तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से इसके ऊपर डेवलपमेंट होते हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर खबर के बारे में और इस पर्टिकुलर टाइप के टूरिज्म के बारे में, कि अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो क्या अपने परिवार को लेकर, जिसमें बच्चे भी हों, उन लोगों को लेकर वहां नेपाल जाना प्रेफर करेंगे या नहीं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।